प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जम्मू कश्मीर की घटना है, जहां हमारे देश के जवान सिपाही पहरा देते हैं। ठंड का समय है, जब बर्फ पड़ती है। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। सिस्टम होता है सैनिकों का, एक टुकड़ी पहरा देती है कुछ दिन, फिर वो वापस आती है, दूसरी टुकड़ी वहां पहुंच जाती है। बर्फ में बैठकर पहरा देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची घटना है ये, उस पर आधारित है ये बात। एक सेना की टुकड़ी जा रही है अपनी ड्यूटी पर दूसरों को छोड़ने के लिए। ये पहरा देंगे, वो वापस आएंगे, पर रास्ते में पहाड़ पर तूफान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तूफान इतना तेज, बर्फ का तूफान, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैनिक भी घबरा गए कि बर्फ में दबकर या ठंड में ही मौत हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब घबरा गए तो कमांडर इन चीफ ने कहा, जो कमांडर इन चीफ था उनका, कहने लगा सब मिलके प्रार्थना करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर अपना जोर काम नहीं आने वाला। सब ने मिलके प्रार्थना की भगवान से कि कुछ रास्ता दिखा। प्रार्थना करते ही दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहाड़ों पर जाओ तो लकड़ी की दुकान बनी होती है जो बंद पड़ी होती है, छोटे छोटे दुकानें होती है रास्ते में लोगों ने बनाई होती है। वो दुकान दिख गई, पास में गए तो दुकान बंद, ताला लगा हुआ है। तो सैनिक ने पूछा कि सर ये ताला तोड़ दें, अंदर बैठ जाएंगे, बच जाएंगे दुकान में। परिस्थिति को देखते हुए कमांडर इन चीफ ने कहा ठीक है तोड़ दो। ताला तोड़कर सब अंदर चले गए दुकान में। दुकान छोटी थी पर सब किसी तरह उसमें समा गए और बर्फ से बच गए। और देखा अंदर चाय बनाने का सामान भी पड़ा है, गैस भी है, सब कुछ है, खाने पीने का थोड़ा सामान भी है। 2 दिन तक उस टुकड़ी ने वहां पर शरण ली, 2 दिन 2 रात चाय बनाकर पीते रहे, बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो खाने पीने का सामान था थोड़ा वो भी यूज कर लिया, बच गए, तूफान से बच गए। अब जब चलने लगे तो मन में ख्याल आया हम कोई चोर तो है नहीं कि मुफ्त में खा के चले जाए, जिसकी भी दुकान है, जिसका भी सामान है, कुछ तो देना है। तो सबने मिलकर आपस में विचार करके, 2 दिन इस दुकान ने हमें शरण दी है, हमारी जान बचाई है, सबने मिलकर 10,000 रुपये इकट्ठे किए और वहाँ पर गले के ऊपर रख कर वापस चले गए अपनी जहाँ पर जाना था तैनाती के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को काफी समय बीत गया, गर्मियों का समय आ गया। इसी जगह से ये टुकड़ी गुजर रही है वापस तैनाती के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही कमांडर इन चीफ, वही उसके सैनिक। ये दुकान देखी, याद आया कि इस दुकान ने हमें शरण दी थी, रुक कर यहाँ पर चाय पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त दुकान खुली थी, एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहे हैं। इन्होंने कहा सबको चाय पिलाओ, उसने बड़े प्रेम से चाय पिलाई। इस कमांडर ने कई बार कई सवाल पूछे उससे, एक बुजुर्ग आदमी से, वो जवाब देता रहा और हर बात में खुदा का शुक्राना करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसलमान है, हर बात में खुदा का शुक्राना करता है कि खुदा की कृपा है, खुदा सबसे बड़ा है, हर बात में ये बात कहता है। एक सैनिक ने उससे कहा बार बार खुदा खुदा करता है, खुदा को देखा भी है कि नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा है ना साहब, और मेरे पास इसका सबूत है कि खुदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हैरानी से पूछा क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहने लगा ये छोटी सी दुकान है हमारी, यहाँ पर सैनिक की टुकड़ियां बहुत गुजरती है, सेना की टुकड़ियां लगातार गुजरती है, यहीं पर बैठकर चाय वगैरह पीते हैं।
एक समय आया कि आतंकवादियों ने मेरे बेटे को उस दुकान से उठा लिया। इसी दुकान को संभाल रहा था वो, इसी से हमारा घर चलता है, गरीब आदमी है। आतंकवादियों ने उठा लिया, उन्हें लगा शायद इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी सैनिकों के बारे में, पर उसे कुछ नहीं पता था। कह लगे मार मार के पीट पीट के छोड़ दिया, जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं दुकान पे नहीं आ पाया, यह ठंड के समय की बात है, बरसात जब बर्फ पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हम नहीं आए। डॉक्टर ने कहा कि इसे बचाना है तो पैसे लेकर आओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उदास था, इतने गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे। और उस वक्त जरूरत थी 10,000 रुपयों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे मैंने खुदा से पुकार की, कोई रास्ता बता, कुछ कर। उदास मन से मैं अपनी दुकान की तरफ आ रहा था कि बर्फ में जाके दुकान खोलता हूँ, कोई तो ग्राहक आएगा, कुछ बन जाएगा। देखा तो ताला टूटा हुआ है दुकान का, और ताला टूटा हुआ है तो मैं घबरा गया, शायद फिर से आतंकवादी आ गए। पर जब अंदर जाके देखा तो गले पे 10,000 रुपये पड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बुजुर्ग आदमी कहता है बताओ इतनी बर्फ में दुकान ताला खोलकर ताला तोड़कर कौन 10,000 रुपये रख के जाएगा, खुदा ही तो आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा होता है साहब। वो कमांडर सबको इशारा किया चुप रहो जो उसके साथ थे, क्योंकि सबको पता था कि पैसे हमने रखे हैं। अब बाहर जाकर वो विचार करते हैं वहां से जाने के बाद कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी या खुदा ने उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने प्रार्थना की, बचने की कोई जगह नहीं, तो ये दिखाई दी दुकान जहां पे चाय भी मिल गई, खाना भी मिल गया, हम 2 दिन यहां पे काट लिए। उसने प्रार्थना की 10,000 चाहिए, उसको 10,000 मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, दोनों की प्रार्थना कबूल हुई, दोनों की अरदास, दोनों की फरियाद, क्योंकि खुदा हो या भगवान, शक्ति तो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।